नमस्कार दोस्तों, आइए आज बनाते हैं सिवई की खीर, जिसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी फलूदा जैसा होगा। घर में बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। इन सिवइयों को बनाना बेहद आसान है। घर में रखी सामग्री से बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इन स्वादिष्ट सिवइयों को बनाते कैसे हैं। इन स्वादिष्ट सिवइयों को बनाने के लिए 1 लीटर दूध लीजिए और पतीले में मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए रख दीजिए। मैंने टोन मिल्क लिया है, आप चाहें तो फुल क्रीम भी ले सकते हैं। 1/2 कटोरी ड्राई रोस्टेड सिवइयाँ ले लीजिए, ये वज़न में लगभग 100 ग्राम है। देखिए ये सिवइयाँ इस टाइप की हैं, जिन्हें वर्मिसेली भी कहते हैं। साथ में 1/2 कटोरी चीनी ले लीजिए, वज़न में ये लगभग 100 ग्राम है। चीनी टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 छोटी इलायची क्रश करके ले लीजिए, साथ में 1 पिंच केसर के धागे ले लीजिए। केसर टोटली ऑप्शनल है, इच्छा है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में 1 चम्मच काजू बादाम पिस्ता की कतरन ले लीजिए, 1 चम्मच चिरौंजी ले लीजिए और 1 चम्मच ही किशमिश ले लीजिए। ये ड्राई फ्रूट्स भी टोटली ऑप्शनल हैं, इच्छा है तो डालिए वरना इन्हें स्किप कर सकते हैं। देखिए दूध में बॉईल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए और ड्राई रोस्टेड सिवइयाँ हैं उन्हें डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और सिवइयाँ सॉफ्ट होने तक धीमी फ्लेम पर पकने दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते रहिए ताकि हमारी सिवइयाँ सतह में ना लगें। देखिए हमारी सिवइयाँ को धीमी आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, सिवइयाँ सॉफ्ट हो गई हैं। अब चीनी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए, साथ में कुटी हुई इलायची और केसर के धागे डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और धीमी फ्लेम पर सिवइयों को गाढ़ा होने तक पकने दीजिए। बीच बीच में सिवइयों को करछी से ज़रूर चलाते रहें। थोड़ी देर बाद देखिए सिवइयाँ अच्छी गाढ़ी हो गई हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और पतीले को 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढका रहने दीजिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। देखिए केसर ने अपना रंग छोड़ दिया है। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी की सिवइयाँ बनकर तैयार हैं, ठंडा होने पर और भी गाढ़ी हो जाएंगी। तैयार सिवइयों को आइसक्रीम के बॉल में सर्व कीजिए ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे और सभी मांग मांग कर खाएं। सर्व की हुई सिवइयों के बॉल को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दीजिए और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से सिवइयों का टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है और खाने में बिल्कुल फलूदा रबड़ी जैसा टेस्ट आता है। घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी सर्विंग बनाइए, उन्हें ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए और 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी शानदार सिवइयाँ तैयार हुई हैं, है ना बिल्कुल फलूदा रबड़ी जैसी देखने में और खाने में भी सेम वैसा ही स्वाद है। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चों की सर्विंग कितनी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाइए, बच्चे खाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो इन स्वादिष्ट लाजवाब इलायची केसर फ्लेवर की सिवइयाँ आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।